तो मैं ये चाहता हूँ कि सादिक शहजादपुरी है, मैं उनको सिर्फ चार मिनट का वक्त दे रहा हूँ कि वो आए और वो रांची की सरजमी से आए हैं, मैं उनसे गुजारिश कर रहा हूँ कि वो चार मिनट में अपनी अपने शेर को पेश करें, अपनी गज़लों को पेश करें या गीतों को पेश करें। मैं सादिक शहजादपुरी से गुजारिश कर रहा हूँ। अरे भाई, और स्टेज पर बैठे बैठे मैं सोच रहा था कि शायद इस मुशायरे का उनवान कुछ और होना चाहिए था, लेकिन बीच बीच में, क्योंकि आप अररिया वाले हैं, बीच बीच में भटके हुए लोगों को आपने राह दिखाने का काम किया है। क्या बात, शंकर के मुरी साहब ने अभी मुकम्मल उनवान को सामने रख दिया है। शंकर के मुरी साहब के अशार को समाप्त करने के बाद चार मिसरे हाजिर करना चाहता हूं। नवाजिश माइक वाले जरा इसको डाल दें, सिर्फ चार मिसरे के ये जो कि कौमी यकजहती का जो उनवान है ये, मैं किसी से मांग के दुआएं अदाद नहीं लेता हूं। तो छीन लीजिए फिर। आजकल के लोग कहते हैं पढ़े लिखे कि अपना हक मांगने से नहीं मिलता, छीनना पड़ता। जी 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 बिल्कुल। के कौमी यकजहती का जो उनवान है ये, नरपतगंज अररिया की पहचान है ये। वाह वाह, क्या बात है। के कौमी यकजहती का जो उनवान है ये, नरपतगंज अररिया की पहचान है ये। और नहीं लेंगे भाई, आप जाइए ना, मेरी तरफ से आप ले लेंगे, मैं इसके लायक नहीं हूँ। सच पूछिए तो मैं इसके लायक नहीं हूँ। आपको अगर शेर पसंद आए तो दिल से दुआएं दीजिएगा, शोर मचा के नहीं। ये आता हो आता। के कौमी यकजहती का जो उनवान है ये, नरपतगंज अररिया की पहचान है ये। कौमी यकजहती का जो उनवान है ये, नरपतगंज अररिया की पहचान है ये। और हिंदू मुस्लिम मिलजुल के भारत में रहे। सिर्फ एक शेर के कौमी यकजहती का जो उनवान है ये, नरपतगंज अररिया की पहचान है ये। और हिंदू मुस्लिम मिलजुल के भारत में रहे। अब्दुल माजिद के दिल का अरमान है ये। वाह, अब्दुल माजिद के दिल का अरमान है ये। अब्दुल माजिद के दिल का अरमान है ये। तकरीबन एक घंटे से पानी मांग रहा था, किसी ने नहीं दिया। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अररिया वाले सबको पिलाते हैं, लेकिन बैठ के पी लेते तो और अच्छी बात होती। वाह, आपने वक्त की पाबंदी लगा दिया ना। जी जी, अता करे अता करे। दोस्तों, मैं आपसे वादा करता हूँ कि उनवान से हटकर कोई शेर आपको नहीं सुनाऊंगा। दुआएं देना हो तो दिल से दीजिएगा, शोर मचा के नहीं। थोड़ा सा मुशायरे का माहौल को चेंज करते हैं, तब्दील करते हैं। बिल्कुल, मुझे पता है कि मेरी बचा ले इज्जत ऐ मौला करीम। दोस्तों, 17 साल से इस खिदमत को अंजाम दे रहा हूँ कि मेरी बचा ले इज्जत ऐ मौला करीम, इंसानों की भेष में शैतान रजीम।
कि मेरी बचा ले इज्जत ऐ मौलाए करीम। इंसानों की भेष में है शैतान रजीम, शर्म से गर्दन झुका ली सब हैवानों ने, ऐसा घिनौना काम किया है राम रहीम। वाह, ऐसा घिनौना काम किया है राम रहीम, ऐसा घिनौना काम किया है राम रहीम के शर्म से गर्दन झुका ले सब हैवानों ने, ऐसा घिनौना काम किया है राम रहीम, ऐसा घिनौना काम किया है राम रहीम। और दोस्तों, ये कागज जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, मैं उन शायरों में से नहीं हूँ कि बहुत दिनों का शेर लिखा हुआ याद किया हुआ आपको सुनाऊं। स्टेज पे बैठे बैठे शायर आसार मैंने लिखे, इसलिए कागज हाथ में। आप शेर समाप्त फरमाएं। दोस्तों, इस उनवान के हवाले से चार मिसरे, और अगर मेरे चार मिसरे वाकयातन इस उनवान का नुमाइंदगी करता हो, तो कसम खुदा की मैं आपके दिल की दुआओं का तालिब हूँ, शोर मचाने वाली दुआ की नहीं। शेर समाप्त फरमाए कि महफूज बिखरने से गुलिस्तान है कब तक। क्या बात है, महफूज बिखरने से गुलिस्तान है कब तक। सवालिया जुमला है कि महफूज बिखरने से गुलिस्तान है कब तक, महफूज बिखरने से गुलिस्तान है कब तक। भारत में सात हिंदू मुसलमान है जब तक। और एक बिल्कुल ताजा खबर, क्यों बेकसूर जान को कुल्हाड़ी से काट दी। वाह, ये तमाम नौजवान हजरात राजस्थान के वाक्य को सामने रखते हुए के क्यों बेकसूर जान कुल्हाड़ी से काट दे, क्यों बेकसूर जान कुल्हाड़ी से काट दे, दहशत में देख पूरा हिंदुस्तान है अब तक। दोस्तों, और मुशायरे का मिजाज को चेंज करते हुए चार मिसरे और इस उनवान के हवाले से थोड़ा सा आप मुझे माहौल दीजिए, ऐसा लगे कि आप मुझे सुन रहे हैं। सुबह जिला गोड्डा झारखंड से चल करके यहाँ आपकी मोहब्बतों ने मुझे खींच कर लाया है। चार मिसरे हाजिर करता हूँ। इधर हमारे ये माँ बहने तशरीफ फरमा है, मैं खसूसी तौर पर इनसे दुआएं लेना चाहूंगा। निकल कर हद से भी आजादियाँ अच्छी नहीं लगती। तमाम शौराए कराम की दुआओं को तालिब हूँ कि निकल कर हद से भी आजादियाँ अच्छी नहीं लगती।
निकल कर हद से भी आजाद अच्छी नहीं लगती के बाहर आप से ये मछलियाँ अच्छी नहीं लगती दिखाने के लिए मासूम चेहरा अपने गैरों को दिखाने के लिए मासूम सूरत अपने गैरों को फिर बाजार में ये लड़कियाँ अच्छी नहीं लगती फिर बाजार में ये लड़कियाँ अच्छी नहीं लगती चार मिसरे और के जुल्म सितम की पढ़ती हुई रफ्तार है क्यों। दोस्तों आप शोर मचाओ चिल्लाओ कुछ भी करो मैं आया हूँ पढ़ने के लिए पढ़ूंगा। के जुल्म सितम की पढ़ती हुई रफ्तार है क्यों तीन तलाकों के पीछे सरकार है क्यों। जुल्म सितम की बढ़ती हुई रफ्तार है क्यों तीन तलाकों के पीछे सरकार है क्यों। सबका साथ और सबका विकास जो कहता था उनकी जबां पर खामोशी भरमार है क्यों। उनकी जबां पर खामोशी भरमार है क्यों। उनके सब दोस्तों बहुत बहुत शुक्रिया बहुत जी हजरत आपने जो आपने जितना भी मुझे शेर पढ़ने का मौका दिया आपने सुना मैं आपका तहे दिल से शुक्रगुजार हूं। इंसाफ आपकी दयानतदारी है आपके साथ मैं आइंदा आप लोगों की जब तक मैं जिंदगी हाथ में कलम रहे आप तमाम हजरात की दुआओं का तालिब हूँ। आप खुदा बहुत